नमस्कार जगतमान यूट्यूब चैनल की टीम आपको लगातार निगम के सर्वे दिखा रही है। आज हम नगर निगम पानीपत के वार्ड नंबर 15 में मौजूद हैं। यहां से कांग्रेस समर्थित उम्मीदवार श्रीमती आशा जागलान हैं, उनके पति संदीप जागलान हमारे साथ हैं। आइए उनसे जानते हैं कि वो वार्ड में किस प्रकार के विकास कार्य करवाएंगे और किस प्रकार की उनको समर्थन जनता से मिल रहा है। संदीप जी, आपका सबसे पहले स्वागत है हमारे यूट्यूब। धन्यवाद जी। साथ में आप बताइए कि आपको किस प्रकार का समर्थन जनता में आप जाते हैं तो मिलता है? मुझे अपार समर्थन मिला है, मुझे 36 बिरादरी का समर्थन मिला है, बहुत युवाओं में जोश है, बड़े बुड्ढों का मुझे आशीर्वाद मिल रहा है। क्या कार्य आप करवाएंगे अगर आप चुने जाते हैं? हमारे यहाँ पे पानी की समस्या, बिजली की समस्या, सीवरेज व्यवस्था सब कुछ ठप है। वृद्धों को पेंशन नहीं मिल रही है, बुढ़ापा पेंशन नहीं मिल रही है, गरीब लोगों को डिपो धारकों से अनाज नहीं मिल रहा है, हर समस्या है हमारे वार्ड में। आप अगर माना जाए तो युवा हैं, तो युवाओं के लिए आपके दिमाग में क्या खास है? युवाओं के लिए एक तो हमारे यहाँ पे कहीं भी पार्क नहीं है। हम बनते हैं तो हम सरकार से निवेदन करेंगे कि यहाँ पर कौन निर्माण करवाए, जिम की हम व्यवस्था करेंगे युवाओं के लिए। जी, देखा जाता है कि महिला सुरक्षा की आजकल सबसे ज़्यादा बातें आती हैं, महिला असुरक्षित महसूस करती हैं, तो महिलाओं के लिए क्या खास करेंगे आप अपने वार्ड के? महिलाओं की सुरक्षा के लिए जो भी कदम है वो हम उठाएंगे, अपना जितना भी ज़्यादा हमारा प्रयास हो प्रयास करेंगे महिलाओं की सुरक्षा के लिए। आजकल युवा जो है बुजुर्गों के पास बैठने का समय उनके पास नहीं होता है, एकाकीपन के शिकार हैं, तो बुजुर्गों के लिए कोई खास आपके वार्ड में करेंगे? हाँ, बुजुर्गों के लिए भी हम अलग से अपना धर्मशालाओं का निर्माण करवाएंगे कहीं ना कहीं, जैसे है अपने एरिया में, अपना सरकार से निवेदन करेंगे, सरकार बनने के बाद हम बनेंगे तो सरकार से निवेदन करेंगे कि भाई यहाँ पे अब चौपाल वगैरह कुछ निर्माण करवा जाए। आपकी धर्मपत्नी अगर चुनी जाती है तो सबसे पहले कौन से विकास कार्य को आप प्राथमिकता देंगे? विकास कार्य तो कुछ भी नहीं ना, विकास कार्य तो सारे ही करवाने हैं, A to Z, बिजली व्यवस्था, पानी व्यवस्था जो भी है, जितनी भी है, हर तरह की गंदगी के ढेर लगे हुए हैं, कूड़ा करकट यहाँ उठ, नालियाँ जाम रहती है गंदगी से, वृद्धा किसी की पेंशन नहीं बन रही, विकलांग पेंशन नहीं बन रही, कुछ भी नहीं, मतलब पानी हमारे यहाँ एक टेबल है उससे पानी मतलब बहुत कम आता है, पानी उधर एकदम एक हिसाब से बैठ ही चुका है। संदीप जी, आपको न्यायाधीश जी ने, मजिस्ट्रेट जी ने भी बुलाया होगा, वहाँ समझाया होगा, आचार संहिता का आपके वार्ड में और दूसरे वार्डों में भी खुला उल्लंघन हो रहा है, सारा शहर पोस्टरों बैनरों से पाट दिया गया है, नालियाँ भरी पड़ी है, तो आप क्या कहना चाहेंगे इसको? बस मैं तो ये कहूँगा कि कम से कम सरकार जो आदेश जारी कर रही है उनका पालन करें। हमने अपने वार्ड में बहुत सबसे कम बैनर हमारे लगे हुए हैं क्योंकि हम उनके आदेशों का पालन कर रहे हैं। आपके वार्ड में किसी प्रकार का शराब या दूसरी तरह का बोलना? नहीं, हमारे यहाँ पे ऐसे कोई नहीं है कि हमारे यहाँ पे शराब का, हमारे यहाँ तो सिर्फ एक प्यार का, लोगों का आशीर्वाद मिल रहा है, अपनापन दिखा के लोग मुझे अपना वोट, कीमती वोट दे रहे हैं। किस बिरादरी की आपको लगता है कि सबसे ज्यादा? मुझे 36 बिरादरी का समर्थन है, 36 बिरादरी। कोई अपील हमारे चैनल के माध्यम? बस अपील मेरी सबसे यही अपील है कि आने वाली 16 तारीख को पंखे के निशान पर बटन दबाकर मुझे विजय बनाएं। जी, तो ये थे श्रीमती आशा जागलान के पति संदीप जागलान जी, जो वादा करते हैं कि चुनाव जीतने के बाद वो क्षेत्र में विकास कार्य करवाएंगे, बुजुर्गों के लिए करवाएंगे, महिलाओं के लिए करवाएंगे, किसी भी क्षेत्र को नहीं छोड़ेंगे जहां विकास ना हो। कैमरामैन राहुल सैनी के साथ तेजवीर सिंह, पानीपत नगर निगम वार्ड नंबर 15 से।